देखिए अब चौथी झलकी भी दिखा देते हैं आपको कि लोग खाने के लिए यहाँ पर लाए थे लेकिन खा नहीं पाए या उनको शायद पच नहीं रहा था तो यहीं पर फेंक के चले गए। देखिए इस वक्त हम राजधानी जयपुर के अल्बर्ट हॉल के राम निवास बाग में खड़े हैं और यहाँ पर कुछ दिन पहले आपने देखा था कि यहाँ पर पूरे राम निवास बाग को अल्बर्ट हॉल को है जो पूरी तरीके से है जो JD के द्वारा बंद कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पर जो चूहे थे वह आतंक मचा रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे, लोग यहाँ खड़े नहीं रह सकते थे, लोग यहाँ आराम से बैठ नहीं सकते थे और उसी के साथ ही यहाँ पर जो अल्बर्ट हॉल की बिल्डिंग है उसको नीचे से ज़मीन को पूरी तरीके से जो चूहों ने खोखला कर दिया था। तब JD के द्वारा एक उपाय सुझाया गया कि क्यों नहीं इन चूहों को पूरी तरीके से ही हटा दिया जाए और उसके बाद यहाँ पर मजदूर लगाए गए JD द्वारा और उन चूहों को सबको है जो मार दिया गया। अब यहाँ पर चूहे तो हट गए क्योंकि इसकी शुरुआत इसलिए की गई थी क्योंकि यहाँ पर राइजिंग राजस्थान की जो पहल है वो शुरू हो चुकी थी। अब राइजिंग राजस्थान कुछ दिनों में यहाँ पर सबमिट होने वाला है, यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है जो अलग अलग देशों में गए, लोगों को न्योता दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुँचने वाले हैं और पूरे जयपुर को है जो दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। और अब हम यहाँ पहुँचे हैं अल्बर्ट हॉल के पीछे जो राम निवास बाग है, ये जो बाहर से पर्यटक आते हैं उनके लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है जो इसको माना जाता है अल्बर्ट हॉल को और उसी के साथ राम निवास जो बाग को। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर चूहे तो मर गए, चूहों को तो हटा दिया गया लेकिन यहाँ पर कचरे का आलम देखिए, कचरे की कुछ तस्वीरें झलकियाँ और भी काफ़ी यहाँ पर राम निवास बाग की बात करें तो पूरा का पूरा है जो तस्वीर है इसकी ख़राब ही हो रखी है क्योंकि जहाँ जहाँ पर कुत्तों के द्वारा गड्ढे कर दिए गए हैं और कचरा डाल दिया गया है। अब कुछ लोग कहेंगे तो ये तो कचरा पात्र है, इसके अंदर कचरा डाला गया है, लेकिन बता दें कि कचरा पात्र तो है, कचरा बाहर भी आ गया, फुल भी हो गया, लेकिन इसको हटाने के लिए जो यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा है। और भी काफ़ी तस्वीरें बताएंगे क्योंकि पूरी तरीके से पूरा किनारा देखे तो इसका राम निवास जो बाग है चारों तरफ कचरा ही कचरा पड़ा हुआ है और चूहे तो मर गए, अब कुत्तों को थोड़ी मार सकते हैं, तो कुत्तों के द्वारा यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं। और यहाँ पर कुछ लोग भी बैठे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर चूहों को तो मार दिया गया, अब चूहे तो परेशान नहीं करते, अभी कुत्ते परेशान करते हैं कि नहीं करते हैं, या JD द्वारा कितनी यहाँ पर स्वच्छता है वो रखी जा रही है क्योंकि राइजिंग राजस्थान की को है जो थोड़े ही दिन बचे हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम होने वाला है और एक तरफ तो पूरे जयपुर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, जगह जगह पर साफ सफाई पेंटिंग करवाई जा रही है, लाइटिंग लगाई जा रही है, फवारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन मुख्य आकर्षण का केंद्र कहे जाने वाला राम निवास जो बाग है उसके क्या हालात है, उसकी क्या झलकियाँ है वो आप देख लीजिए। अब ये देखिए, अब जब कुत्तों की बात कर ही लिए तो आपको कुत्तों के द्वारा किए गए गड्ढे भी दिखा देते हैं। राम निवास बाग में जगह जगह पर कुत्तों के द्वारा गड्ढे कर दिए गए हैं, पहले चूहे गड्ढे करते थे, ज़मीन को खोखला करते थे, लेकिन अब कुत्ते खोखला तो नहीं करते लेकिन पूरी की पूरी घास की बात करें, इस पूरे एरिए की बात करें तो इसको बिगाड़ के बैठे हैं क्योंकि जहाँ जहाँ पर गड्ढे कर दिए गए हैं। अब JD को इनको भी हटाना ही पड़ेगा। अब तीसरी झलकी भी आपको दिखाई देते हैं, देखिए अब आपको तीसरी झलकी भी दिखाई देते हैं। लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए अपने परिवार के साथ और राम निवास बाग की बात करें यहाँ पर बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन वो जो खाने के लिए सामान साथ में लाते हैं या पीने के लिए पानी की बोतल लाते हैं वो तो पी लेते हैं, लेकिन जो कचरा होता है वह सार्वजनिक स्थानों पर यहीं पर फेंक के चले जाते हैं। अब ये क्या सही बात है कि जो हम सामान लाए उसका कचरा है जो बीच में सार्वजनिक स्थान पर फेंक दे, ये बिल्कुल गलत बात है। ये लोगों को ही समझना पड़ेगा कि सरकार कितना आखिर करेगी हर जगह, तो हमारी बोतल उठाने के लिए तो कोई रहेगा नहीं, यह तो हमें जिम्मेदार बन के यही देखना पड़ेगा कि कहाँ पर कचरा पात्र है और हम जो हमारे पास कचरा है उसको कचरा पात्र में ही फेंके। देखिए अब चौथी झलकी भी दिखा देते हैं आपको कि लोग खाने के लिए यहाँ पर लाए थे लेकिन खा नहीं पाए या उनको शायद पच नहीं रहा था तो यहीं पर फेंक के चले गए। अब देखिए सोचने की बात ये है कि राइजिंग राजस्थान को लेकर थोड़े ही दिन बचे हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा सबमिट होने वाला है, पूरी जयपुर को है जो सजाया जा रहा है, बहुत सारे तामझाम किए जा रहे हैं, लेकिन राम निवास बाग के यहाँ पर लोग आराम फरमाने के लिए आते हैं लेकिन जो कचरा होता है वो बीच में ही फेंक के
चले जाते हैं। अब सोचिए ये कचरा तो हम उठा के डस्टबिन के अंदर डाल देंगे, लेकिन जब डस्टबिन ही फुल हो जाएगा, इसका कचरा ही जब और फुल हो जाएगा, तब इसको उठाने की और कचरा संग्रहण तक ले जाने की जिम्मेदारी है जो JDA की उन लोगों की है, उस गाड़ी की है जो यहाँ पर कर्मचारी के तौर पर लगे हुए हैं और महीने महीने जो है सैलरी उठाते हैं। अब ये वीडियो देखने के बाद आप अपने मन में यह शपथ जरूर ले कि आप कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर जाएंगे तो जो कचरा होगा वह कचरा संग्रहण या कचरा पात्र के अंदर ही डालेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए आपको दोस्तों को, ताकि वह भी अपने मन में ये शपथ है जो जरूर ले सके। द खटक से मैं आपका साथी राजेंद्र, धन्यवाद।